Hello, student. This is your SST class. Today, we will discuss remaining parts of Chapter Three. Apart from these factors, mountain ranges and ocean currents also एफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इन कालों के का अलावा पर्वत श्रृंखलाए और महासागरीय धाराएं भी किसी स्थान के जलवायु को प्रभावित करती है यू विल लर्न अबाउट देम इन हायर क्लासेस आप इसके बारे में उच्च कक्षा में पढ़िए आगे का कक्ष में आप इसको पढ़िएगा द क्लाइमेट हैज़ अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ a लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल and एंड एनिमल्स ऑफ दैट प्लेस जलवायु का उस जगह के लोगों पौधों और जानवर जानवरों के जीवन शैली पर सीधा प्रभाव पड़ता है टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट वील रीड वन डिजन इन ईच ऑफ आवर फोर हीट जोन्स ऑफ द आर्थ डीज जोन्स आर एस फॉलोस जलवायु के प्रभाव को समझने के लिए हम पृथ्वी के चार ताप क्षेत्र में से प्रत्येक में एक क्षेत्र को पड़ेंगे यह क्षेत्र इस प्रकार के है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हॉट एंड वेट क्लाइमेट साउदी अरेबिया हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य गर्म और आर, आर्द्र जलवायु है सऊदी अरब गर्म और शुष्क जलवायु है ग्रीनलैंड एक्स्ट्रीम कोल्ड क्लाइमेट द पेरिस इन दिस इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट ग्रीनलैंड अत्यधिक ठंडी जलवायु संयुक्त राज्य अमेरिका एक्सट्रीम टाइप के क्लाइमेट है आप लोग को क्लाइमेट वेदर एंड क्लाइमेट तीसरे चैप्टर आज खत्म हुआ इसको पूरा कंप्लीट कर दिया हम इसके बाद नेक्स्ट दिन आप लोग को हम क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे आप लोग कीवर्ड को भी पढ़ लीजिएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है एटमोसफेयर द थी लेयर ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अल्टीट्यूड हाइट ऑफ ए प्लेस एबव द सी लेवल